ये विनिंग मोमेंट टीम का और टूर्नामेंट का जो पहला ही मैच हमने हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मोंटेजी व्लॉग से एक और न्यू व्लॉग में। तो गाइस, अभी तक मैंने कोई वीडियो अभी तक अपलोड नहीं की है क्रिकेट के रिगार्डिंग यूट्यूब चैनल पे, बट आज हम शूट करने वाले हैं क्रिकेट मैच का। और ना मैं आपको बता दूं कि हमारे पास ना तो कोई गोप्रो है या ऐसा कुछ है जिससे हम शूट करेंगे, हम कुछ बस ओनली फोन से और कुछ कैमरे से हम उसकी वीडियो शूट करेंगे और उसके बाद हम अपना व्लॉग को जल्दी आपके लिए लेके आएंगे। तो गाइस, आज है मैच, संडे, हर संडे को हम मैच खेलते हैं, बट आज एक न्यू टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है T20 व्हाइट बॉल क्रिकेथन क्रिकेट एकेडमी में। तो अभी हम वहीं पे जा रहे हैं, तो अभी विक्रम भाई अपने वहीं आ रहे हैं, मैं अपनी गाड़ी वहीं खड़ी करूंगा एक जगह पे, और वहां से एक अजय भाई है और एक विक्रम भाई है, हम दोनों और मैं, यानी कि हम तीन बंदे हैं। अभी जाएंगे हम क्रिकेथन क्रिकेट एकेडमी, यानी कि 8:30 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है वहां पे मैच का, तो 8:30 बजे हमें पहुंचना है। तकरीबन 30 से 35 मिनट हमें लगने वाली है, तो चलिए चलते हैं अभी विक्रम भाई के पास, वो आने वाले होंगे। विक्रम भाई आ चुके हैं और हमारे पीछे बैठे में बात कर रहा था भाई। अजय भाई, और भी कोई आएगा क्या? नहीं, अभी कोई नहीं आएगा। अच्छा, तो भाई हम तीनों ही हैं और जा रहे हैं क्रिकेथन क्रिकेट एकेडमी और व्हाइट बॉल टूर्नामेंट का आज हमारा ये तीसरा मैच है जो कि क्रिक फिट नेट एकेडमी के साथ है। तो कल के दोनों मैच का मैं स्कोर बहुत लो रहा है, देखते हैं आज अपना विक्रम भाई क्या करते हैं। कोशिश करते हैं, 20 ओवर का मैच है तो कम से कम 160 के आसपास तो कम से कम रन जाने चाहिए, बट देखते हैं, क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ नहीं कहा जा सकता, जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। कितने मिनट लगेंगे इधर से? 20 मिनट। भाई पेट तो बहुत ज़्यादा आ रहा तेरा यार, देख रहा थी कोई ना यार। अच्छा, एक और सबसे इंटरेस्टिंग बात है भाई, अपने विक्रम भाई के लास्ट तीनों मैच में जीरो नहीं टूटी है। मतलब लास्ट के तीनों मैचों में जीरो पे आउट हुए हैं। तो आज ये मतलब हम इसके पीछे पड़े हुए हैं कि आज साला 50 लगनी ही लगनी है, और वो भी आपको बताएंगे, देखते हैं क्या रहता है। तो आज एक रन तो पहले सबसे पहले एक रन तो बनाना ही पड़ेगा, ये अपना उपाधि जो अपने ऊपर ले रखी है वो हटाने के लिए एक रन तो कम से कम बनाना पड़ेगा। ठीक है भाई विक्रम, आज मतलब धुआं उठा देना है यार, ठीक है ना? क्रिकेथन वाले यूं कहे कि हाँ कोई भाई आया है हरियाणा से यार, तो थोड़ी सी बेइज्जती होती है यार, वो नहीं है। कोई बात नहीं यार, वो कहते हैं ना बेइज्जती होना बहुत जरूरी है, ना बेइज्जती होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब जब बेइज्जती होगी ना तो इंसान वो डबल पावर के साथ ऊपर बढ़े आगे बढ़े। और अजय भाई आज तो खेलने का मौका मिलेगा, पिछले मैच में तो खेल नहीं पाए। बहुत बढ़िया यार। और मोरे जी वो कहाँ है? मोरे जी अभी रास्ते में होंगे, निकल चुके होंगे मेरे। भाई आज मजा आने वाला, मैंने तो 6 दिन वेट कराया मुश्किल से, कैसे निकले, बट संडे आ गया लास्ट में, तो आना ही था, टाइम रुकता थोड़ी है यार, कभी देखेंगे, भागने की हिम्मत तो हो नहीं रही। लाया हूँ पैर के लिए भी एक जुगाड़, मैं तो 2 सॉक्स लेके आया हूँ, एक और फंसा लूंगा उसमें, बोलना लगे दोबारा।
तो हम ट्राई करेंगे ना। तो चलिए अभी मिलते हैं डायरेक्ट ग्राउंड पर, क्रिकेथन ग्राउंड पे, और देखते हैं उन्होंने कैसे पिच तैयार कर रखी है और क्या क्या मतलब अरेंजमेंट है, क्योंकि टूर्नामेंट चल रहा है। तो टूर्नामेंट का हमारा तो हमारी टीम का तो पहला मैच है, तो कल का पहले मैच में क्या अरेंजमेंट किए हैं वो पता नहीं है, बट आज देखते हैं क्या क्या अरेंजमेंट कर रहे हैं। टाइम 8:30 का रिपोर्टिंग टाइम था, बट हम लेट चल रहे हैं थोड़ा सा, कोई नहीं, दिन में दो ही मैच होने हैं तो आराम से हो जाएंगे, चलता है आधा घंटा एक घंटा लेट से। तो चलो चलिए मिलते हैं अभी ग्राउंड पे डायरेक्ट। तो गाइज अपोनेंट की टीम ने जो कि क्रिकेट एकेडमी की जो टीम थी उन्होंने टॉस यहाँ पे जीता है और हमें बैटिंग करने का न्योता दिया है। और पिच आप देख सकते हैं कैसी है, पिच पे काफ़ी ग्रास है और हम पिछले कई मैचेस से देख रहे थे कि हमारी बैटिंग नहीं आई थी, हर बार हमें फील्डिंग करनी पड़ती थी, पर बाई चांस अपोनेंट ने हमें मौका दिया है। तो देखते हैं हमारी टीम आज कितना स्कोर खड़ा करती है ग्राउंड पर। तो पिच और ग्राउंड आप देख सकते हैं, पहले जो मैचेस खेले हमने काफ़ी दरार थी ग्राउंड में, तो अभी इन्होंने काफ़ी मेहनत करी है। और अभी इस साइड स्क्रीन आप देख सकते हैं और ये अपोनेंट टीम आ चुकी है ग्राउंड में, और अभी हमारे ओपनर जल्दी मैच की शुरुआत करने के लिए मैदान में उतरेंगे। तो हमारी टीम के ओपनर जाते हुए, भाई साहब आज फाड़ देना, देख देख के फाड़ना, लेकिन देख देख के फाड़ देना। ये क्रिकेथन प्रीमियर लीग व्हाइट बॉल चैंपियनशिप 2023 का आज पहला मुकाबला, और क्रिक फिटनेट वर्सेस वॉरियर्स, जो हमारी वॉरियर्स क्रिकेट क्लब टीम है, लास्ट ईयर हमारी टीम चैंपियन रह चुकी है यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं कि हमारे प्रीमियर विकेटकीपर बैट्समैन और सीनियर प्लेयर ऑफ द टीम कौस्तव शर्मा रेडी है, हमारे ऑलराउंडर ये फॉरेनर अमोल पवार, हमारे विक्रम प्रताप जी हरियाणा सोनीपत से है, और मोंटी सिवाच जो कि फिलहाल बहुत ही फॉर्म में है पिछले दो मैचों से। और ये हमारे सीए अजय पाटिल सर, हमारे विकेट टू विकेट बॉलर, ये फाइनेंसर है टीम के, और कुछ लोग हमारे नेट प्रैक्टिस भी कर रहे हैं वहां पे, मोसिन है, डॉक्टर है। ओके, और ये हमारे भावी कैप्टन, और हमारी टीम की पूरी कमान इन्हीं के पास है, ये हमारे मधुकर मोरे जी। अभी और ये हमारी टीम का पहला विकेट अभी अभी गिरा है, यानी कि फैजल तंबोली हमारे ओपनर आते हुए इन्होंने 21 रन का टीम के लिए योगदान दिया 17 गेंद खेलते हुए, और इसमें इन्होंने 2 चौके और 1 छक्का लगाया। क्लैप 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 बॉयज, इन्होंने अच्छी बैटिंग की, मस्त बैटिंग के लिए फजल ने, आणि आता पुढचा बॅट्समन गेला आहे समीर फुगे। तो गाइस हमारा मैच हो चुका है अभी कंप्लीट, और हमने एक टूर्नामेंट का पहला ही मैच हमने जीत लिया है, और बड़े ही ज्यादा रन के मार्जिन से हमने जीता है। यानी कि अपोनेंट टीम है वो सिर्फ 89 रन ही बना सकी, तो ये हमारे लिए मतलब पॉइंट टेबल में है ना, तो
सो पॉजिटिव रेटिंग लेके आएगा, बहुत अच्छी बात है। टूर्नामेंट पहले पहला ही हमें बहुत अच्छी एवरेज मिली है रनरेट के साथ हम आगे। तो अपने विक्रम भाई की फाइनली आज बैटिंग नहीं आज की, तो अभी वो जो 3 मैचों में 0 रन का रिकॉर्ड है वो अभी मेंटेन है, देखते हैं नेक्स्ट मैच में क्या रहता है, उसको कंटिन्यू रखेंगे या कुछ 50 से उसको तो कंप्लीट करेंगे। तो गाइस इसलिए आज हम विनिंग मोमेंट एंजॉय करेंगे पूरी टीम के साथ, और अभी अभी 5 मिनट पहले हमारा मैच ख़त्म हुआ है, अभी देखते हैं कुछ कहीं रास्ते में रुक के कुछ चाय पानी या कुछ छोटी मोटी पार्टी का जुगाड़ करते हैं, थोड़ा सा अभी फोटो सेशन रखेंगे। जब मैच जीत जाते हैं तो मन करता है कि फ़ोटो सेशन करें, पिछली बार हम एक बार हार गए थे तो मैं कैमरा भी लेके आया था बट कोई फ़ोटो वोटो हमने क्लिक नहीं करी, क्या ना हारने के बाद वो मन खराब हो जाता, सबको ये लगती चलो यार चलो यार। आज DSLR से एक पिक ली जाएगी बहुत अच्छी, तो आपको बीच बीच में फोटोग्राफी पूरी टीम की आपको देखने की मिलेगी। तो गाइस हम हर संडे ऐसे ही क्रिकेट जो मैच है उसका व्लॉग बनाते रहेंगे, और आप हमारे चैनल को न्यू वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन प्रेस करें और लाइक करें। मिलते हैं गाइस एक और नेक्स्ट व्लॉग के साथ, ये हमारे मधुकर मोरे जी मैन ऑफ द मैच, 4 विकेट। तालियां जबरदस्त, जिसने आउट किया उसको नहीं किया बेस्ट बॉलर ऑफ द मैच, जो स्टेटस के सामने दिखेगा वो जो दिखेगा वही दिखेगा। और ये मिस्टर समीर फुगे अपने मैच के बेस्ट बॉलर ऑफ द मैच, बेस्ट फील्डर, बेस्ट फील्डर भाई मिस्टर मोंटी सिवात। ये विनिंग मोमेंट टीम का और टूर्नामेंट का जो पहला मैच हमने